कहा जाता है कि गुस्सा इंसान का सब तो वड्डा दुश्मन हुंदा है। गुस्सा सेहत ले खतरनाक हुंदा है, जिस कारण साड़ी जिंदगी विच कई नुकसान भी हो जाते हैं। कई लोगों नूं इन्ना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह कदी कदी भयानक रूप धारण कर लेता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं हुंदा। कई लोग अजिहे भी हुंदे हन जो छोटियां छोटियां गल्लां ते जल्दी गुस्से हो जाते हैं। आही गुस्सा जदों घर तो बाहर तुहाडे दफ्तर पहुंच जावे तां स्थिति होर भी काफी खराब हो जाती है। गुस्सा आउण दा सब तो वड्डा कारण है मन दा अशांत होना। इसलिए हमेशा अपने मन नूं शांत रखो। जीवन नूं वधिया तरीके नाल चलाउण लई प्रेम, सहज अते गुस्से ते काबू करन दी बेहद जरूरत हुंदी है। अज की वीडियो तुहाडे लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि अज की वीडियो विच असी तुहानू दसांगे कि किवें तुसी अपने गुस्से ते काबू पा सकते हो। जदों भी तुहानूं गुस्सा आउंदा है तां तुसीं अपनियां अक्खां नूं उस समय बंद कर लो। इस तों बाद लंबा साह लैणा शुरू कर दिओ। अजिहा करन नाल तुहानूं काफी राहत मिलेगी ते तुहाडा गुस्सा भी काफी शांत हो जाएगा। गुस्से नाल कई रिश्ते खराब हो जांदे हन। इस नाल रिश्तियां विच दरार ते पै ही जांदी है ते नाल ही तुहाडे शरीर नूं कई तरह दीआं तकलीफां भी झलणियां पै सकदीआं हन। आज जिथे लोग इन्ने ज्यादा बीमारियां दा शिकार हो रहे हैं, उसके पीछे सब तो वड्डा कारण है हाइपर यानी कि गुस्सा। इसलिए हमेशा छोटी छोटी गल्लां ते खुश रहना सीखो ता जो तुहानू छेती गुस्सा ना आवे। मन शांत करन लई सब तो सौखा तरीका है सैर। मन शांत करन लई तुहानू रोज सवेरे उठ के सैर करन लई जाना चाहिदा है। इस नाल तुहाडे अंदर ताजी हवा दाखिल होवेगी अते तुसी दिन भर ताजा महसूस करोगे, जिस दे नाल तुहाडा दिन काफी खुशनुमा रहेगा। ज्यादातर लोकां नूं म्यूजिक सुनना बेहद पसंद हुंदा है, जो कि एक काफी वधिया गल भी है, क्योंकि म्यूजिक सुनन नाल शरीर काफी रिलैक्स फील करदा है ते तुहाडा मन काफी शांत हो जांदा है। इसलिए जदों भी गुस्सा आवे उस समय तुहानू म्यूजिक सुनना चाहिदा है। म्यूजिक सुनन नाल तुहाडा ध्यान भटकेगा अते तुहानू हर पल ताजगी महसूस होवेगी। जेकर किसी व्यक्ति दी वजह नाल तुहानू गुस्सा आ रहा है तां जरूरी है कि या तां तुसी उसनू माफ कर दो या फिर उस दीआं माड़ियां गल्लां ते इग्नोर करना शुरू कर दो। जेकर तुसी उसनू इग्नोर करोगे तां तुसी छेती उस दीआं माड़ियां गल्लां नू भी भूल जाओगे, जिस नाल तुहानू फर्क पैणा भी बंद हो जाएगा। अजिहा करन नाल तुहानू गुस्सा घट आवेगा ते नाल ही तुहाडी सेहत ते भी घट असर पेगा। सेहत अते शरीर च आउण वाले बदलाव दी शुरुआत खान पीन ते निर्भर करती है। ज्यादा मसाले वाले भोजन शरीर अते साडी मानसिक शांति दोवां लई नुकसानदायक हुंदा है। ज्यादा मसाले वाला भोजन खान नाल साडे शरीर च गर्मी पैदा हुंदी है, जिस नाल गल गल ते गुस्सा आउणा लाजमी है। अजिहे च खुद नूं शांत रखण लई मसालेदार भोजन दी वरतों घट तों घट करनी चाहीदी है। गुस्सा आउण दा सब तों वड्डा कारण मन दा अशांत रहना हुंदा है। इस लई हमेशा अपने मन नूं शांत रखना सिखो, जिस नाल तुहाडा गुस्सा शांत हो जावेगा। जेकर तुहाडा गुस्सा दिन प्रतिदिन वधदा ही जा रहा है तां तुसी गुस्सा आउण ते 1 तों 20 तक गिनती गिनो, जिस नाल तुसी महसूस करोगे कि तुहाडा गुस्सा घट हो रहा है। जेकर तुहानू दफ्तर च किसी ते गुस्सा आ रहा है तां थोड़े समय लई बिल्कुल चुप हो जाओ, क्योंकि कई बार गुस्से च बोलना खतरनाक हो सकता है। बार बार गुस्सा करन नाल शरीर च रसायन दी मात्रा वधन लगती है। अजिही स्थिति तों बचण लई रोजाना घट्टो घट 30 मिनट कसरत जरूर करो। जेकर किसी कारण करके सवेरे समा नहीं मिल पाउंदा तां शाम नूं जरूर 30 तों 45 मिनट दी कसरत करो। ज्यादा गुस्सा आउण दी वजह नींद दी कमी भी मन्नी जांदी है। गुस्से दा सीधा संबंध स्ट्रेस नाल हुंदा है। जिन्ना हो सके स्ट्रेस घट लियो। इस दा सब तो वधिया उपाय है अपनी 7 तों 8 घंटे दी नींद जरूर पूरी करो। जेकर तुसी घट नींद लैंदे हो तां तुसी खुद नूं कमजोर अते मानसिक तौर ते कमजोर महसूस करदे हो। जीवन च कोई भी परेशानी होवे तां उस नूं अपनियां नाल जरूर सांझा करो। गल्लां नूं शेयर करना बेहद जरूरी हुंदा है, क्योंकि जेकर तुसी मन ही मन सोचदे रहोगे तां तुहाडे मन विच गलत ख्याल भी पैदा हो सकदे ने।
कई बार ट्रैफिक च फस जान नाल जां फिर किसी समस्या दा हल ना निकलन दी वजह नाल बहुत ज्यादा गुस्सा आ जांदा है। अजिहे च अपने किसी मित्र नाल गलबात करो। ए कुछ नुस्खे ने जिन्हां नाल तुसी अपने गुस्से नू काबू विच कर सकते हो। हेल्थ रिलेटेड होर अपडेट्स दे लई तुसी देखदे रहो स्काई न्यूज पंजाब। खबर की ताज़ा अपडेट के लिए साड़े यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, फेसबुक चैनल लाइक और शेयर करो।